शिव बाबा जो है वो आत्मा का ट्रीटमेंट तो करता ही है, आत्मा स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ हो ही जाता है, लेकिन फिर भी शरीर कामों पर ध्यान है, कुछ ना कुछ किट-किट करता है, हर एक को कोई ना कोई तकलीफ रहती है, लेकिन बाबा रूहानी सर्जन के साथ साथ बाबा जिस्मानी सर्जन भी बन करके जिस्मानी शरीर को भी ठीक करने के लिए किसी ना किसी को निमित्त बना देता है। तो आज हमारे बीच में दादू भाई के उपस्थित हुए हैं, मैं दादू भाई जी का बहुत 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 तरह से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन है, अभिनंदन है। दादू भाई ने हमें एक सेकंड में बाबू से एक सेकंड में क्या जीवन मुक्ति, तो एक सेकंड में बाबा ने हम दादू भाई ने हमारी बीमारी को भी कैसे शुमंत कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कितना भाग रहा हूँ चले हूँ, तो 3 महीने से मैं पूरी आप सोच रहे इतना इतना ही करना क्या है, एक जैसा ही बीमारी सबको सब पेनस करना है सही बस और कुछ देख लो अभी झटक के देख लो इसको ऊपर रखना है हाँ ये देख ठीक है ऐसे रखना है पांव को तभी इधर सही बैठता है और ये इधर और इससे आपको खींचना है हाथ को सुनिए आवाज सेट हो गया है घूम जाओ ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा ऑपरेशन कर दिया गुजराती भाषा सुना ये भाई अभी चेक करो कैसा लग रहा है चेक कर लो पेन लाओ ना ऐसे ऐसे सही हो गया बढ़िया चलो आ जाओ आ दाएं निकालो ये नीचे को पाव लंबा करो माता जी उधर पकड़ लो नहीं पाव को टोंगड़े को करो पाव को उधर करो टोंगड़े को ऊपर करो नहीं नीचे को पाव लंबा करो सीधा करो सीधा सुनाई नहीं दे रहा नीचे को पाव लंबा करो एक टोंगड़े पर लो बोल दी खींचो मेरे हाँ ये भैया का हाथ खींचो तुम्हारा तरफ रोक भी करो हाँ खींचो खींचो मेरा खींचो हाथ मेरा हाथ खींचो भाई क्या बोले आपका तरफ खींचो ऐसा हाथ खींचो आपको हाथ खींचो इधर हाँ खींचो जोर से आ गया एक ही बार नारायण जी हाथ रहे आपके नीचे को पाए लंबो काल कर दो नीचे को पाए लंबो हाँ नीचे को जोर जोर देखे क्या डॉक्टर साहब पहुंचा रहे हाँ सुनिए आप लेकिन ये पाँव को उठाना नहीं ये 50 करना 50 हाँ ये ऐसे हाँ ऐसे हाँ बराबर 50 होने के बाद पाँव को ऊपर लेना फिर मुंह इधर जाएगा पाँव हाथ इधर माँ पाँव इधर कर सकेंगे या तो ऐसे कर लो हाथ को सबसे अच्छा फिर इधर घूम जाओ ऐसे हाँ बहुत बढ़िया कर सकेंगे ये करते रहना बहुत अच्छे हो जाएंगे कमर बढ़िया हो जाएगी इतनी उम्र में तो अच्छा हो जाए तो क्या चाहिए हैदराबाद में 350 लोग किए विशाखापट्टनम अभी खंडवा में पता नहीं कितने होंगे आ जाओ नीचे आ जाओ देखो अभी कैसा लग रहा है देखो वायरलेस ऑनलाइन कर देना ऑनलाइन अभी झटक अब कैसा लग रहा है चल के देखो फ्रीक है देख लो दो क्लिक हुआ है ऐसे साइड से उठना तो दर्द नहीं होगा और नहीं सिस्ट के लिए वो खाने का बताएगा फोन कर लेना रात को करो दो जल्दी दो एक्सरसाइज बस हाँ ये दो करना है बस कर सकेंगे अब सेकंड नंबर वो ये करता है ना कितना बार कर तीन ज्यादा नहीं तीन थ्री ऑन तीन इधर बस वो ये 50 हाँ ये 50 50 बढ़िया हो जाएगा कांटेक्ट में रहेंगे चलो आ जाओ कंधा का पिलो स्प्रे लेना घर में सुनिए आवाज अभी देख लो है कि गया कहाँ गया दर्द गया कि कंधा गया सब गया यंग एज में होता है क्या पिलो नहीं देखने के लिए दे पिलो
क्यों नहीं लेते? आज से मैं दिखा दूं कैसे। उल्टा सो जाती है? नहीं नहीं क्या, मैं दिखा दूं कैसे। कितना जबरदस्त दर्द है माइग्रेन। देखो आप खुद करना, ये आंख के पीछे जो आता है ना उसको ऐसे उंगली से दबाना आप खुद, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके फिर ऐसे मार देना अपने आप, अपने आप को मारती हूँ जब दर्द देता है। अभी देखो हिलाओ, हल्का हुआ कि नहीं, देख लो फ्री लगा थोड़ा, चेक कर लो। नहीं नहीं लगा, चलो इधर सो जाओ। आज तो तीन दिन वो कर रहा हूँ, 3 दिन क्या होगा आपको, 3 दिन रात को 1 कप गर्म पानी में सौंठ डाल के पीना है, तीन गर्म गर्म, तो सिर दर्द पूरा निकल जाएगा। ठीक है सो जाओ, इधर पिलो ही नहीं लेते तो गड़बड़ होना ही रहता। सो जाओ उस तरफ, इस तरफ पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ ऐसे कैसे, इसको ऊपर लो, इसको सीधा रखो, नीचे का पाँव सीधा रखो, इसको ऊपर लो, बहुत बढ़िया। इधर देखो मेरे को और खींचो, आप इधर देख के खींचो, अभी घूम जाओ ऐसे। इस बार ठंडी अच्छी पड़ी, पीछे आ जाओ, ऊपर से आना था अभी गर्म लग रहा है पर नॉर्मल, इसको सीधा रखो बस, इधर देखो खींचो मेरे को जोर से, खींचो हाँ जोर से, एक साइड उल्टा होके उठो, उल्टा होके उठना, उल्टा होके उठना, जब भी उठोगे ऐसे हाथ करके उठना, उठो अब नीचे आ जाओ और सीधा आ जाओ। अच्छा वीडियो बना रहा हूँ राजू, अच्छा बना बराबर ना, चेक कर लो अभी रिलैक्स हुआ पहले, हाँ वो कर रहा हूँ इसलिए बिठा रहा हूँ। अभी हाथ को ऐसे रखो, हाथ को इधर करो, इधर हाथ को ऐसे फंसा करके पीछे टच होके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ पीछे। ठीक है ऊपर देखो, दीदी के पास देखो, ये नीचे करो ढीला रखो, और वो लाइट को देखो ऊपर में, बस ये ढीला रखना, एकदम ढीला रखना, ठीक छोड़ दो। याद रहेगा ना सूट पानी, हाँ। 3 दिन करके देखना, अभी देखो फ्री है, लेकिन 2% 3% अच्छा हुआ। इसकी एक्सरसाइज करना रोज, ऐसे ताली बजाना जोर से, अभी करके दिखाओ, करके दिखाओ, 10 ताली बजाना रोज, 15 दिन करो जोर से, आवाज आने, हाँ जोर से, हाँ ऊपर देख, हाँ फिर ऐसे पीटी करो, पीटी किया था ना स्कूल में, ऐसा पीटी स्कूल में करते थे, जोर से बजाओगे तो सारे पॉइंट दबेंगे, एक एक टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, ऑल इन वन हो जाएगा। ठीक है चलो, और कौन है, आइए भी है, बैक पेन तो नहीं है, बैक पेन नहीं है ना, ये सर दर्द तो इधर एड़ी में, एड़ी में वो भी कर देते। अच्छा कितने टाइम से ये सब, अच्छा पिल्लो लेते हैं कि नहीं लेते, पिल्लो तो लेते, कितना पतला साल हो गया ना, कोई जब हो गए ढीला रखा, सुना आवाज खटखट हो रही है, अब चेक करो हिलाओ, हल्का हो गया देखो कैसा लग रहा है, देखो कर गया हल्का, तो अच्छी बात है ना, बिना दवाई कोई, और क्या चाहिए, एड़ी का दर्द है, आ जाओ, हाँ वो भी कर लो, कॉन्स्टिपेशन है हो रहा है, इसको दबा के रखो, आगे पीछे करना, आगे पीछे, और पिलो रखना ऐसे सोने के टाइम, ऐसे ऊंचा होना चाहिए, 15 दिन करना। ठीक है और ये कसरत करना बैठे बैठे, ऐसे आगे पीछे बैठे बैठे करना, टेका लेके पीछे, ठीक है 15 दिन करना है, सवेरे शाम करो 2 बार। अभी नीचे आ जाओ, हो गया देख लो, इधर आके झटक दो जोर से, आवाज आनी चाहिए, अब चल के देखो दर्द होती है, नहीं देखो कम हो गई, चेक कर लो, अभी तो नहीं होती जब बैठ जाते ना तो, अभी देख लेना ये करने के बाद 15 दिन के बाद देखना बैठ के, नहीं होगा थर्ड पेशेंट है, बता रहा है अभी चेक कर देते हैं।
बोलो उसमें उसमें बोलो खड़े हो जाओ इधर सेंटर हो गया। अच्छी बात है कि नहीं, ये दवाई से अच्छा।